In this video, I will cover history part. Of course, history weightage for 5 to 8 marks. Okay, so हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्रीफ में हम उसके टाइम देख लेते हैं कि कैसे हिस्ट्री चलेगी. मीन्स 2-3 बार गेट में क्वेश्चन आया कि बोरोक के बाद क्या आया, या रोकोके के बाद रेनेसेंस किसके बाद आया, किससे पहले आया. तो उसके लिए एक छोटी सी लाइन है, वो याद कर लेते हैं. इसमें क्या है, वो क्या है कि वेस्ट एशिया के इजिप्ट और ग्रीक शहर में इट्रस्कन के लोगों ने रोम में देखा कि पहले से ही क्रिश्चियन की बज रही है, तो रोम से क्यों गॉड बुद्धा हिंदू और इस्लाम को रहने दिया जाए. तो लोग बोर और रोते हुए उन्होंने नई क्लास में मॉडर्न दिखने के लिए 8-9 और 8-10 के इंटरनेशनल स्टाइल के पोस्ट मॉडर्न पोस्टर लगवाए. ओके, तो ये क्या है, मीन्स बेसिकली हमें ये याद करना है कि किसके बाद क्या क्या आया है. तो उसके लिए एक जैसे फ्रेज है, तो वेस्ट एशिया से क्या बनेगा, वेस्ट एशिया आर्किटेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और इसमें एक और है सब आप मींस सुमेरियन. सब आप में एस स फॉर सुमेरियन, बे फॉर बेबीलोन, आप फॉर असायरियन एंड पर से पर्शियन. ये आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आ गया वेस्ट एशियाटिक आर्किटेक्चर. तो वेस्ट एशिया के इजिप्ट, वेस्ट एशिया के बाद आता है इजिप्ट आर्किटेक्चर. मीन्स इट्स नॉट लाइक दिस कि वेस्ट एशिया ख़त्म होने के बाद इजिप्ट आया. इट्स लाइक कि वेस्ट एशिया का पीरियड अगर चल रहा है तो इजिप्ट कहीं यहाँ कहीं शुरू हो गया, उसके बाद अगला हमारा आर्किटेक्चर यहाँ कहीं शुरू हो गया. ये नहीं कि यहाँ ख़त्म होने के बाद इजिप्ट शुरू होगा. ठीक है, तो मतलब नंबर वाइज देखें तो 1, 2, 3 ऐसे. ओके, तो वेस्ट एशिया के बाद इजिप्ट आर्किटेक्चर. देन इजिप्ट में वी ऑल नो कि सिकंदर आ गया था ग्रीक लेकर,
तो यहाँ तक सबको याद रहते हैं कि ग्रीक आर्किटेक्चर तो वेस्ट एशिया के इजिप्ट और ग्रीक शहर में इट्रस्कन ने, तो उसके बाद आता है इट्रस्कन आर्किटेक्चर। देन आता है हमारा रोम आर्किटेक्चर, इट्रस्कन ने रोम में देखा। वेस्ट एशिया के इजिप्ट और ग्रीक शहर में इट्रस्कन ने रोम में देखा कि पहले से ही क्रिश्चियन, तो रोम के बाद आएगा अर्ली क्रिश्चियन, अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, पहले से ही क्रिश्चियन की बज रही है, बज का मतलब बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर। ओके, देन बाइजेंटाइन बज रही है तो रोम से क्यों, रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर। देन रोम से क्यों गोट गोट फॉर गोथिक, बुद्धि बुद्ध आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, इस्लाम आर्किटेक्चर। तो गोथिक के बाद बुद्धा, फिर हिंदू, फिर इस्लाम को रहने रहने से आएगा हमारा रेनेसेंस आर्किटेक्चर दिया जाए। उसके बाद है बोर और रोते हुए, बोर मतलब बोराया का आर्किटेक्चर, रोते हुए रोको को, रोते हुए उन्होंने नई क्लास मीन्स न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर। एक्चुअली गेट में ये आ चुका है कि बोरोक के बाद मतलब रेनेसेंस के बाद बोरोक आएगा और तो बोरोक के बाद रोकोको, इन तीनों का आ चुका है कि आगे पीछे क्या था। तो न्यू क्लासिकल, देन आफ्टर न्यू क्लासिकल नई क्लास में मॉडर्न दिखने के लिए, देन फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न दिखने के लिए 8, 9 और 8, 10 मीन्स 8, 9 एंड 8 डेको आर्किटेक्चर, 8, 9 और 8, 10 के इंटरनेशनल स्टाइल, इंटरनेशनल स्टाइल के। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्न पोस्टर लगवाए। तो ये हो गए इनको याद करने का तरीका। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी पेपर में आ चुका है कि मॉडर्न के बाद 8, 9 हुआ है, 8, 9 के बाद 8 डेको आया। तो अब इस स्टोरी से आप ये पूरा मेमोराइज कर सकते हैं। तो अब हम अपने पहले आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, वेस्ट एशियाटिक आर्किटेक्चर। सो वेस्ट एशियाटिक आर्किटेक्चर, वेस्ट एशियाटिक आर्किटेक्चर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, सब आप जो मैंने अभी बता दी है, सुमेरियन, बेबीलोनियन, असायरियन, पर्शियन, और इसे इसी टर्म में याद रखना है। पहले सुमेरियन, फिर बेबीलोनियन आया, फिर असायरियन आया, फिर पर्शियन आया। तो वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर इज बेसिकली स्टोनहेंज एंड पोस्ट लिंटल आर्किटेक्चर। इसका मतलब वही होता है, बीम कॉलम, मतलब बीम और कॉलम इस टाइप के आर्किटेक्चर। ये इसलिए है क्योंकि स्टोनहेंज आपने देखा ही होगा, वो जो इस टाइप के पत्थर ऐसे आपस में पड़े हैं, मतलब आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेसोपोटामिया, वेस्ट एशियाटिक आर्किटेक्चर जो मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया जो हमारा पूरा है वो बिटवीन दो रिवर फेमस है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस।
इन दो रिवर के पास पूरा मेसोपोटामिया फैला हुआ है जिसमें हम ये चारों पढ़ेंगे। एक इसमें एक पॉइंट होता है नेचुरल लीव। तो नेचुरल लीव्स क्या होता है, इट इज़ लाइक आपका पानी यहाँ पे है तो सबसे ऊपर हम सबसे ऊपर लोग अपने अपने घर बना लेते हैं ताकि बाढ़ से बच सकें, इन सब से बच सकें, ताकि पानी अगर ऊपर भी आए तो अगले दिन ही सारा पानी इधर चला जाए और इधर चला जाए और उनका घर सेफ रहे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेचुरल लीफ, नेचुरल लीव्स। नेचुरल लीव मीन्स एम्बैंकमेंट बाय रिवर, एम्बैंकमेंट बाय रिवर। एंड देन इसमें एक टर्मिनोलॉजी और है फर्टाइल क्रीसेंट, नेचुरल लीव्स फर्टाइल क्रीसेंट। तो अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले सुमेरियन में, सुमेरियन जो पीरियड था, तो सुमेरियन पीरियड में इसमें हम क्या करेंगे, एक सिटी मेन होगी, एक रिवर मेन होगी और उसके कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स। सुमेरियन जो वो पीरियड है वो यूफ्रेट्स रिवर के पास था। उसको आप ऐसे याद रखना युक्ति, हिंदी वर्ड है मीन्स यू टी। तो पहली दो सिटी हमारी यूफ्रेट्स रिवर के पास, बाकी की दो सिटी हमारी टिग्रिस रिवर के पास, मीन्स सुमेरियन और बेबीलोनियन यूफ्रेट्स के पास और ये दोनों टिग्रिस रिवर के पास। तो युक्ति से याद रखना। ओके, सो यूफ्रेट्स रिवर, सुमेरियन पीरियड की बात अभी हम कर रहे हैं, यूफ्रेट्स रिवर के पास था। इसकी एक फेमस सिटी थी सिटी ऑफ यूर, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है। एंड सिटी ऑफ यूर, इसमें सबसे जो फेमस चीज़ मिलती है वो है जिगुरेट्स। जिगुरेट्स की फिगर और इसके कुछ फीचर्स मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताए हैं, ये उसमें से स्टडी कर लीजिए। जो इस टाइप का होता था, फिर एक नीचे सर वो स्टेयरकेस, फिर ये पूरा एक और उस पर, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे, फिर इसमें से स्टेयरकेस, फिर ऐसे तीन चार स्टेप्स में ये बना होता था जिगुरेट्स। एंड देन यहाँ पे फिर दो रैंप इधर से, दो रैंप इधर से। ओके, सो यूफ्रेट्स रिवर इम्पोर्टेंट है, सिटी ऑफ यूर इम्पोर्टेंट है, और जिगुरेट स्टार्ट कहाँ हुआ था, सुमेरियन पीरियड में। फिर इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है मोट, व्हाट इज मोट। मोट क्या होता था कि अपनी सिटी को सराउंड कर मतलब सेव करने के लिए ये रिवर के पास बनाते थे और साइड में रिवर रखते थे, इस चीज़ को मोट कहते हैं, मीन्स कैनाल और रिवर एक्टिंग, एक्चुअली कैनाल ही होगा, रिवर तो ऐसे सराउंड में नहीं पाएगी। कैनाल विच एक्ट एज अ सेवियर फॉर दैट सिटी, उसे मोट कहते हैं। ओके, तो इस जिगुरेट्स की खास आर्किटेक्चरल फीचर्स ये थे कि आउट में तो आउटसाइड तो इसकी बर्नट ब्रिक्स थी और इनर में सन ड्राइड ब्रिक्स थी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिक्स कैसे कैसे आगे चेंज होंगी इसी पीरियड में, वो हम देखेंगे। ओके, और यहाँ पे बिटुमेन यूज होता था फॉर वाटर प्रूफिंग। ओके, तो सुमेरियन पीरियड में ये इम्पोर्टेंट थे सारे। देन आता है बेबीलोन सिविलाइजेशन,
बेबीलोन सिविलाइजेशन आपका ये ग्रेट सीवर के पास था, एंड इसकी कैपिटल थी बेबीलोन। एंड इसमें भी सेम मोट था। इसमें एक नई चीज़ आई थी, प्रोटेक्शन वॉल, मोट होने के बाद भी प्रोटेक्शन वॉल, जिसे रैमपेड कहते थे। ये रैमपेड देन इस जिगरेट के साथ साथ इसमें खास आए थे गेटवेज, जो था इस, आप नेट पे भी सर्च कर लेना, इस्थर गेटवे। वो कुछ ऐसे बने होते थे। दो गेट मतलब एक बिल्कुल इसी की कॉपी इसके सामने होती थी, दैट इज इस्थर गेटवे। ओके, तो इसमें इस्थर गेट में क्या था, एट गेट थे ये, जो कि एट गॉड को सिग्निफाई करते थे। एंड ये ब्रोंज के थे, ब्रोंज गेटवे। और इसमें क्या था, इसमें थी किन या बर्नड ब्रिक्स आउट इनसाइड, बर्नड ब्रिक इनसाइड, और आउटसाइड पे लगी हुई थी इनेमल ब्रिक्स। ये ब्लू कलर की इनेमल ब्रिक मीन्स ग्लेज्ड ब्रिक। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि ग्लेज्ड ब्रिक स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो ग्लेज ब्रिक हमारी बेबीलोन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई थी। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि पॉली कलर की ब्रिक ब्रिक कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो भी एक बार क्वेश्चन आया था। तो बेबीलोन सिविलाइजेशन यहाँ पे, ओके, इसमें मेन बेबीलोन सिविलाइजेशन में जो मेन था वो था हैंगिंग गार्डन, जो कि यूफ्रेट्स रिवर के अलोंग था। हैंगिंग गार्डन इज मीन्स वही नंबर ऑफ स्टेप्स और टेरेस के कारण इसको हैंगिंग कहते थे। नंबर ऑफ स्टेप्स होते थे गार्डन में जाने के लिए, और टेरेस पे था ये, तो इसलिए इसको हैंगिंग गार्डन कहते थे। मीन्स बेसिकली सिंपल, ये ऐसे 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 स्टेप्स होते थे कुछ, नीचे पिलर से और ऊपर गार्डन और अलोंग द रिवर। देन आफ्टर हैंगिंग गार्डन हमारा आता है सब आप एसायरियन सिविलाइजेशन। एसायरियन सिविलाइजेशन जो था वो टिग्रिस रिवर के पास था, जैसा मैंने आपको बताया था युक्ति। और इसमें जो जिगुरेट्स था वो हो गया था सेवन स्टोरी। अभी तक हमारा 3 या 4 स्टोरी होता था, इसमें ये 7 स्टोरी हो गया था। एंड इसकी जो कैपिटल थी वो थी खोरसाबाद। और इसमें हाँ, जैसे इसमें इनेमल ब्रिक था ब्लू कलर की, इसमें ब्रिक यूज़ हुई थी पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक ब्रिक्स, ग्लेज्ड। और इसमें जो इस्टर गेट था वो इसमें भी था, लेकिन इसमें मेन गेटवे पे मीन्स गेटवे पे जो था एक, उसे लैमासु कहते थे। उसमें क्या हो जाता कि बुल बुल की बॉडी पे ह्यूमन फेस लगा होता था विद टर्बन,
तो इसे मीन्स मैन हेडेड बुल, ये इसकी खास वो थी, इसे लामसू कहते थे। ये देन हमारा एसायरन सिविलाइजेशन भी ख़त्म। देन आता है पर्शियन सिविलाइजेशन, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस ऐसे पे आया था। पर्शियन सिविलाइजेशन हमारा मोस्ट इवोल्व था इस टाइम का। इसमें अलोट ऑफ कॉलम्स, कॉलमनर मीन्स अलोट ऑफ कॉलम्स यूज हुए थे। इसमें इसके 100 कॉलम्स यूज हुए थे, बहुत फेमस हैं वो। 100 इसमें 1000 हुए थे हमारे मीनाक्षी टेम्पल में, वो आगे पढ़ेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉलमनर, इसकी सिटी थी थेब्स, थेब सिटी भी इसकी फेमस थी, और इसकी कैपिटल थी पर्सेपोलिस। एंड इसमें हॉर्स को चढ़ने के लिए, बाकी सब में रैंप या वो होती थी, लेकिन इसमें स्मॉल शैलो शैलो स्टेप्स दे रखे थे शैलो राइज के, ताकि हॉर्स भी उस पर चढ़ सके। मैन हेडेड बुल्स इसमें भी थी। एंड इसमें एक था अपादाना, जिसे ऑडियंस हॉल कहते थे। इसके जो कॉलम्स थे यहाँ इस टाइम में वो सिलेंडर थे। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा ही था सिलेंडर रेशियो मीन्स दैट इज एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, मीन्स जब एल जब बहुत ज़्यादा ही आर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसे सिलेंडरनेस और सिलेंडर कॉलम्स कहलाते हैं। इसमें एक थ्रोन रूम था जिसमें 100 कॉलम्स यूज़ हो रखे थे, इसलिए ये फेमस है। पर्शियन सिविलाइजेशन में 100 कॉलम्स यूज थे। देन मेन ये था कि करेक्टराइजेशन ऑफ कॉलम स्टार्ट फ्रॉम हेयर। पहले जो कॉलम्स बनते थे उस पर कोई डिज़ाइन नहीं होता था, तो करेक्टराइजेशन ऑफ कॉलम स्टार्ट हेयर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड तो इसमें वो क्या करते थे, ये सिमेट्री, ये बुल, एक बुल मान लो, तो इसका माउलिड बेस मीन्स दिस इज माउलिड बेस। फिर फ्लूट शाफ्ट, शाफ्ट थी फ्लूट और एरिस क्या होता है उन्हें बताता हूँ। फ्लूटेड शाफ्ट होती थी। एंड उसके बाद जो ये टॉप ब्रैकेट है, इसमें ट्विन्स बुल्स होती थी या ड्रैगन, ये भी इसकी फेमस है, ये पेपर में आया था। टॉप ब्रैकेट ट्विन्स बुल एंड ड्रैगन किस कॉलम में पाए जाते हैं, पर्सेपोलिटन कॉलम्स में, पर्शियन कॉलम्स में, कैपिटल में ट्विन्स बुल सिमेट्री में, फ्लूट शाफ्ट, माउलिड बेस, करेक्टराइजेशन ऑफ कॉलम स्टार्ट हेयर। सो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और फ्लूट और एरिस मीन्स जब कॉलम में, ये अगर आपका कॉलम है, ये प्लान है, तो ये फ्लूट होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसकी ये चोंच पार्ट एरिस। ओके, तो ये ख़त्म हमारा फर्स्ट पॉइंट चैप्टर वेस्ट एशियाटिक। अब हम इजिप्ट आर्किटेक्चर पे चलते हैं। इजिप्शियन आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर फेमस रिवर नील, पूरा नील के पास था, इनके सारे पिरामिड्स जो भी हम स्टडी करेंगे।
तो इसमें मेन थी हमारे जो हम स्टडी करेंगे वो टॉम्ब एंड टेम्पल्स। ओके सो इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज इम्पोर्टेंट है वो है एनुअल इम्यूडेशन। इजिप्ट में हर साल एनुअल फ्लडिंग आती थी जिसे ये एनुअल इम्यूडेशन कहते हैं। देन सेकेंड है बैटर वॉल। जैसे अभी हमने रैम्पेड पढ़ी थी वैसे ही इनकी बैटर वॉल होती थी जो प्रोटेक्ट करती थी इनकी सिटी को, मीन्स यू कैन से इंक्लाइंड वॉल, रिटेनिंग तो नहीं, इंक्लाइंड वॉल। ओके एक इनकी टर्मिनोलॉजीज थी हाइरोग्लिफिक्स। ये शायद DDF के पेपर में आया था जिसका मीन्स नो राइट मैसेज बाय पिक्चर। ये लिखते नहीं थे, ये ऑफ कोर्स पिक्चर आपने मूवीज में भी देखा होगा, नो राइट मैसेज बाय पिक्चर। मुस्लिम में काफ़ी कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन उसमें ह्यूमन फिगर नहीं मिलेगी, और ये उसका उल्टा है। इसमें आपको लिखा हुआ कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, पिक्चर्स ज़्यादा मिलेंगी। मुस्लिम आर्किटेक्चर में उल्टा होता है, उसमें ह्यूमन फिगर यूज़ ही नहीं होती। सो अब हम टॉम्ब स्टार्ट करते हैं। टॉम्ब में मेन हम दो चीज़ पढ़ेंगे, मस्तबाज एंड पिरामिड। ओके तो सबसे पहले मस्तबा क्या होता है, इन सब की एक एक गूगल में एक्स्ट्रा स्लाइड खोल लेना और जो जो मेन टॉपिक है उसे अगर पिक्चर दिख जाएगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनको जैसे एक बार सर्च कर लेना नेट पे। मस्तबा इज अब लाइक अ पिरामिड, बस इसकी टॉप फ्लैट होती थी, फ्लैट टॉप। इट वॉज लाइक यहाँ से इसकी एंट्रेंस होती थी एंड और यहाँ पे इसका दो था, तो ये ऊपर से फ्लैट होता था। और प्लान में देखें तो इसको कुछ इस तरह का होता था, ये डोटेड में, क्योंकि ये बड़ी अंडरग्राउंड होता था। तो फाइव नंबर 1, 2, 3, 4। तो इसका ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या आता था, 1, 2, 3, 4। तो 1 नंबर में हम एंट्री करते हैं तो उसे कहते थे आउटर चैम्बर और ऑफरिंग। गेट में मैक्सिमम यही आता है कि इस टेंपल में पहले आके आता था, इजिप्ट टेंपल्स में पहले क्या आता था, या उनको अरेंज करो कि पहले अपादाना प्रदाना हाइपोस्टाइल होस्टाइल, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें भी आ सकता है कि पहले क्या आता था आउटर चैम्बर देन फिर क्या देन, तो आउटर चैम्बर जहाँ पे ऑफरिंग होती थी, देन सरदाब, सरदाब मीन स्टैचू, जहाँ पे स्टैचू रखे होते थे। देन थर्ड नंबर पे सैक्रोफेगस, सैक्रोफेगस जहाँ पे कॉफिन रखा होता था, यहाँ पे बैठते थे वर्शिप के लिए, यहाँ पे स्टैचू कॉफरिंग। देन यहाँ से स्टेयर के नीचे जाती थी बरियल चैम्बर में, जहाँ पे इन्होंने रियल में बरी की और किया होता था उस बॉडी को, बरियल चैम्बर जो कि अंडरग्राउंड होता था। यहाँ से स्टेयर के नीचे जाती थी, मीन्स डेड बॉडी नीचे रखते थे। ओके तो मस्तबाज में बस इतना ही पढ़ना था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू पिरामिड। सो पिरामिड इवोल्व कैसे हुआ था, मेन हम 3 पिरामिड पढ़ेंगे। सबसे फेमस जो पिरामिड है पिरामिड ऑफ कियोप्स। ओके पहले मैं बता दूँ इवोल्व कैसे हुआ था। पहले ऐसे पिरामिड बनते थे, स्टेप पिरामिड, देन बने ये वाले पिरामिड, देन ये वाले पिरामिड। इन दोनों में वो नीचे होता था, मतलब वो
खजाना इसमें हम यहाँ पे रखते थे किंग चैम्बर में, ये आगे स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा बेंट स्टेप पिरामिड, बेंट पिरामिड इसे कहते हैं, पिरामिड ऑफ चियोप्स। सो बेंट पिरामिड इसका नाम तो स्टेप पिरामिड ऑफ जोसर जो सकारा में था, ये याद कर लेना हो जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये धासूर में था और ये बेंट पिरामिड ऑफ चियोप्स जो कि गीजा में है। ओके सो पिरामिड हमें पता ही है इस टाइप का होता है ऐसे प्लान। ओके एक चीज़ याद आई मेरे को, पिरामिड आपका ऐसा होता है प्लान में, तो इसकी इसकी जो भी डायरेक्शंस होती हैं वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होती हैं, मींस नॉर्थ साउथ जो भी आप दे दो, ईस्ट वेस्ट जिस साइड भी आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होती हैं इस। और जिगुरेट, जिगुरेट आपका ऐसा होता है पिरामिड में, ये दो लाइनें होती हैं, जिगुरेट में हमारी स्टेकेज ऐसी होती हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे होती हैं हमारे डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ। ये पिरामिड है, ये जिगुरेट्स है, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहाँ भी आएगा वो इस टाइप की होती हैं, क्योंकि इसमें मतलब ये याद करने का तरीका है कि स्टेयर केस यहाँ है तो इसमें एंगल पे होंगे जिगुरेट्स पे, इसमें ये लाइन ऐसे बनती है तो इसमें इसके ऐसे हैं, ठीक है। तो तीन पिरामिड फेमस हैं, सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो बिग, उसे कहते हैं खुफू या चियोप्स, देन सेकेंड वन, देन सबसे छोटा जो है वो है मैं ओके वो मैंने याद कैसे कर रखे कि खुफू फिर खासरे मतलब खाफड़े फिर मैना खाफड़े, तो मैना खाफड़े मतलब खुखू पहले खांसी आती है फिर खासरे खाफड़े मैना खा रही, मैना खासरे तो मैना खाफड़े, ये याद करने का तरीका है, आपके हिसाब से जो सही हो वो याद कर लेना। तो बड़ा छोटा छोटा ये पिरामिड का प्लान हो गया। पिरामिड कॉम्प्लेक्स जो इम्पोर्टेंट है कि उसमें पहले क्या आता है, उसमें पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, पिरामिड कॉम्प्लेक्स। सो पिरामिड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपकी नील रिवर, देन आपका वैली टेंपल, देन आपका इसके साथ में होता है बैठा स्फिनिक्स, ग्रेट स्फिनिक्स या स्फिनिक्स, देन एक रास्ता जाता है जो होता है काउजवे, इसमें छोटे छोटे स्फिनिक्स या पिलर्स लगे होते हैं, इसको कहते हैं काउजवे। देन उसके बाद आता है मोर्चुरी टेंपल, देन आता है आपका पिरामिड। तो सब पिरामिड, मोचुरी टेंपल, कोजवे, स्फिनिक्स, वैली टेंपल, रिवर नील, ये इसका वो है, ठीक है। ओके तो एक इसमें एक पिरामिड में नहीं, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है काहून, जिसे एनक्लोज कोर्ट कहते हैं इजिप्ट। ओके तो पिरामिड का सेक्शन ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बता रखा है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें एक तो फेक टनल होती थी जो चोरों के लिए बनाई जाती थी ताकि चोर उसमें ट्रैप हो जाएं, थीव टनल से थीव कोट लिख देता हूँ, थीव टनल। देन 7 मीटर पे
या आई थिंक 17 या 7 मीटर पे इसकी एंड मेन एंट्रेंस होती थी। सो मेन एंट्रेंस में सबसे पहले आता था, एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो मेन एंट्रेंस में सबसे पहले आती है हमारी एंट्रेंस, फिर आता है ग्रैंड वो ग्रैंड गैलरी का क्वीन चैम्बर सबसे पहले, देन आती है ग्रैंड गैलरी, देन आता है ये ऐसे थोड़ा सा मतलब एयर शाफ्ट, देन आता है एंटी चैम्बर, ये इम्पोर्टेंट है, देन आता है हमारा किंग चैम्बर। सो जो सीक्वेंस है क्या क्या किसके बाद आता है ये इम्पोर्टेंट है, एंड इसके ऊपर आता है वो किंग चैम्बर के ऊपर सपोर्ट करने के लिए लोड डिस्पर्जन। तो ये ऐसे ही याद रखना है कि एंटी चैम्बर किसके बाद आता है, ग्रैंड गैलरी किसके बाद आती है, सबसे पहले क्वीन चैम्बर, फिर ग्रैंड गैलरी, फिर एयर शाफ्ट, एंटी चैम्बर, ये एंटी चैम्बर इम्पोर्टेंट है, देन क्वीन चैम्बर। ये हम बहुत जगह पढ़ेंगे कि मेन किंग चैम्बर और गैलरी को क्या चीज़ जोड़ती है, वो है एंटी चैम्बर। यही हम आगे ग्रीक में पढ़ेंगे, हिंदू टेम्पल में पढ़ेंगे कि अंतराला या मंडपा क्या चीज़ जोड़ती है। ओके सो इसमें तो यही है, मेड ऑफ ब्रिक और सैंडस्टोन से बना होता था। तो सो पिरामिड यहाँ पे एंड। अब हम चलते हैं आगे। टेंपल्स की ओर। सो बेसिकली दो टेंपल बनाते थे इजिप्ट, एक तो कल्ट और एक मोर्चुरी टेंपल। सो एक हम वो पढ़ लेते हैं कि टेंपल में मेन आता क्या था। अगर ये इजिप्ट का टेंपल है, इसको चार पार्ट में डिवाइड करूँ, तो सबसे पहले आता है इजिप्ट में एवेन्यू ऑफ स्फिनिक्स, छोटे छोटे स्फिनिक्स लगे होते थे एंट्रेंस में ही। देन पार्ट आता है हाइपोथ्रल, देन हाइपोस्टाइल, ये इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, देन सेंचुरी। तो इसके लिए आप कुछ भी बना सकते हो कि पहले थल आता है, फिर स्टाइल मारते हैं बंदा, फिर सेंचुरी तक जाते हैं, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि पहले स्टाइल था थल, पहले थल आता है जिस पे खड़े होते हैं इंसान, फिर स्टाइल मारते हैं, फिर सेंचुरी तक जाते हैं। एवेन्यू स्फिनिक्स बाहर ही है। अच्छा, इन टेम्पल्स के बाहर ही एक हमेशा वो होता था कोलम या ध्वज कह लो, जिसे ओबिलिक्स कहते थे। ओबिलिक्स जो ऐसे होता था और इसके ऊपर एक छोटा सा पिरामिड बना होता था, इसे ओबिलिक्स कहते हैं। नेट पे सर्च मारते रहो, फिगर आती रहेगी तो इजीली हो जाएगा। ओके तो इसका इसका एक एग्जांपल है सनमरे, मतलब ये मूवी याद रख लेना सनमरे, इसका एग्जांपल है ग्रेट टेंपल ऑफ अमनरे, अमन रे। तो सनम रे मूवी है, हिंदी मूवी, जिसमें टेलीस्कोप का बहुत अच्छा यूज़ किया है क्योंकि वो इधर उधर घूमता है। तो अमन रे से याद रखना सनम रे। एंड तो जो ये जो टेंपल है वो इस टाइप का है, ये इसका सेक्शन है और इसका प्लान भी कुछ इसी टाइप का है। मीन्स इफ यू कैन सी ये सेक्शन ऐसे यहाँ से भी, सो इट इज़ मेकिंग अ फोकस एट द सेंटर। तो इस सनम रे टेम्पल का कंसेप्ट ही यही था, टेलीस्कोपिक कंसेप्ट। जब आप एंट्री करोगे तो पहले ग्रैंड गैलरी, फिर छोटा, ताकि आपका फोकस मेन सेंचुरी पे जाए,
इसमें भी पहले डबल हाइट सिंगल हाइट देन आपका फोकस सीधा सेंचुरी मेन सेंचुरी पे जाए। तो ये टेलीस्कोपिक कंसेप्ट, और इसके बाहर एक ओबिलिक्स होता था जो मैंने बता दिया, वो कॉलम पिरामिड वाला। एंड इसमें वही पहले हाइपोस्थरल, पहले स्थल आता है फिर हाइपोस्टाइल फिर सेंचुरी। एंड इसमें यहाँ पे विंडो होती थी, अच्छा इन विंडो को कहते हैं क्लियर स्टोरी विंडो, जो इस टाइप की बनती है। ये क्लियर स्टोरी विंडो एंड देन इसमें एक सिटी ऑफ, इस सिटी को सिटी ऑफ डेड भी कहते थे, नेक्रोपोलिस विच इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ डेड। देन मैंने आपको काहून बता ही दिया, एनक्लोज कोर्ट को काहून कहते थे। देन कल टेंपल इतना ही था। अब आता है मोर्चुरी टेंपल। मोर्चुरी टेंपल बेसिकली दो टाइप के बनते थे, रोप कट और दूसरे अपने स्ट्रक्चर वाले ही, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, इसमें एक तो जो कॉलम यूज़ हुए थे वो इम्पोर्टेंट थे, प्रोटोडोरिक कॉलम्स यूज हो रखे मोर्चुरी टेंपल इजिप्ट में। एंड देन एक आता है पाइलन गेटवेज, जो कि इस टाइप का दिखता था, दो ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक छोटी सी ताला और यहाँ पे एंट्रेंस। पाइलन गेट पे आप नेट पे सर्च मार लिया, ये एक इम्पोर्टेंट है, पाइलन गेट वे भी इन्होंने यूज़ कर रखा था। देन इजिप्शियन कॉलम्स जो भी होते थे वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखे हैं कि बेस्ड ऑन नेचर होते थे, पाम लीव्स और लोटस लीव्स, लोटस बर्ड, बेसिकली नेचर से इवोल्व होते थे इनके सारे कैपिटल्स। एंड दूसरा इसका जो प्रोपोर्शन सिस्टम था वो था कैनन प्रोपोर्शन सिस्टम, मीन्स ऐसे एक आपने देखा ही होगा, ऐसे एक बंदा खड़ा होता था और स्क्वायर ग्रिड, कैनन प्रोपोर्शनेट सिस्टम। एंड थर्ड चीज़ जो इसकी फेमस थी वो थी कॉर्निस। कॉर्निस इज मीन्स जब आपकी सेक्शन है ये स्लैब और वॉल, तो यहाँ पे जो हम बनाते हैं कॉर्निस वो इनकी फेमस थी। सो कॉर्निस इज अ सीरीज ऑफ ब्रैकेट, हम तो फुल पीओपी से फिल कर देते हैं, बट पहले कैसे दिखाऊं, ये ऐसे ऐसे, ये दीज आर कॉर्निस जो मतलब कवर करती थी राइट एंगल बिटवीन स्लैब एंड कॉलम का राइट एंगल ना दिखे उसको, इसे कॉर्निस कहते हैं। एक टर्म को ब्रैकेट कहते हैं और जब इस व्हेन इट कम्स इनटू अ सीरीज इट बिकम कॉर्निस। ओके सो इजिप्ट हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम चलते हैं ग्रीक की तरफ। ग्रीक आर्किटेक्चर में हम दो पीरियड स्टडी करेंगे, हेलेनिक और हेलेनिक। मेन तो हेलेनिक ईरा है, लेकिन हेलेनिक से भी एक दो बार क्वेश्चन आए स्टडी करेंगे, हेलेनिक और हेलेनिक। सबसे पहले हेलेनिक स्टडी करते हैं।
हेलेनिक ईरा। अच्छा, इसकी एक फेमस सिटी थी एथेंस और माइलेटस। माइलेटस ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। ओके, तो हेलेनिक पीरियड, इसमें सबसे पहले आया स्टूको। इस स्टूको लेके आए थे, स्टूको हम देखा जो कि पाउडर मटेरियल जो प्लास्टर करते हैं वॉल को, दैट इज स्टूको। इनके जो कॉलम थे ग्रीक के, हेलेनिक पीरियड की बता रहा हूँ सिर्फ, वो कुछ इस टाइप के थे। कॉलम ये क्या होता था हमारा, स्क्वेयर एबेकस, दैट इज सर्कुलर एकिनस। ये टर्मिनोलॉजीज आगे भी यूज होंगी, एकिनस और एबेकस क्या क्या है। सर्कुलर एकिनस और स्क्वेयर एबेकस, ये इनका कॉलम। तो अच्छा, वो हमारा इजिप्ट ख़त्म कैसे हुआ था, क्योंकि इजिप्ट में सिकंदर आ गया था। सिकंदर आया तो वो ग्रीक लेके आया। सो सिकंदर से आप एक चीज़ याद रखना कि वो था तो शक्तिशाली, तो मेरे समझ में नहीं आया, मतलब ये मैं वो टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जो मैंने खुद को याद करने के लिए बनाई थी, मेरे समझ में नहीं आया। तो मतलब माइसेनियन आर्किटेक्चर, इसका नाम भूल जाते हैं बार बार, तो माइसेनियन आर्किटेक्चर मेरे समझ में नहीं आया। ये कहाँ पे आया था, इसकी सिटी थी माइसेन, माइसिनेन सिटी थी। एंड इसमें इसकी दो चीज़ें बहुत फेमस थी, दैट इज लाइन गेट एंड बरियल थैलोस। बरियल थैलोस में ये फोर्टिफिकेशन और अपनी ज्वेलरी ज्वेलरी सब कुछ रखते थे। ओके, तो सबसे पहले आता है लाइन गेट। ओके, लाइन गेट से पहले दो टर्मिनोलॉजीज की भी याद रख लो, मेगा रन, मेगा ट्रॉन और प्रोपाइलन। मेरे समझ में नहीं आया माइसिनियन आर्किटेक्चर, इसकी दो टर्मिनोलॉजीज थी, मेगा ट्रॉन जो मेन सेंट्रल था रॉयल पैलेस के लिए, उसे मेगा रन कहते थे, मेन सेंट्रल रूम फॉर रॉयल पैलेस उसे मेगा रन। और एंट्रेंस, ये प्रोपाइलन आगे भी यूज़ होगा, एंट्रेंस टू बिल्डिंग इन ग्रीक, मेगा रन प्रोपाइलन। सो अब हम आते हैं लॉयंस गेट और बरियल चैम्बर पे। लाइन गेट कैसा होता था कि दो कॉलम, इसमें यहाँ पे ये मीन्स लॉयन की शक्ल, उसके बाद इसके पैर, उसके बाद इसके ऊपर बनी होती थी आर्च। तो इस टाइप की आर्च को कोरबेलिंग आर्च कहते हैं, मीन्स जो एक के ऊपर एक सपोर्ट, ईट सपोर्ट हो रही हो। ये लॉयन गेट होता था, सर्च कर लेना इसकी फीचर। इसकी तीन फीचर्स थे, कोरबेलिंग, कोरबेलिंग आर्च, बेसिकली कोरबेल्ड आर्च ये होती है, दिस इज कोरबेल आर्च। तो कोरबेलिंग आर्च, देन ट्राइबिएशन, ये मैंने सबसे पहले बताया था ट्राइबिएशन और पोस्ट लिंटल क्या है, मीन्स कॉलम बीम कोई पोस्ट लिंटल कहते हैं, ये कॉलम यूज हो रखे थे तो इसको ट्राइबिएशन। देन आती है साइको, मीन्स सिकंदर था तो साइको ही, तो उसने यूज़ की थी साइकोपियन मेजनरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। साइकोपियन मेजनरी इज लाइक, इसमें बहुत बड़े बड़े ब्लॉक साइज जो थे वो बहुत बड़े थे, ब्लॉक साइज आर ग्रेट मीन्स बिग, इतने बड़े बड़े ब्लॉक साइज थे। अगर ये एक ब्लॉक है तो ह्यूमन फिगर कुछ इस टाइप का होता था।
तो साइकोपियन मेजनरी, लाइन्स गेट। देन हम पढ़ते हैं बरियल थैलोस, थैनोस से भी आंसर सकते हो। बरियल थैलोस को बी हाई टोम भी कहते थे, बी हाई टोम। इसमें ये अपने ट्रेजर रखते थे। इसको थैलोस क्यों कहते हैं, क्योंकि थैलोस होता है हमारा सर्कुलर इन प्लान बट सेमी सर्कुलर इन सेक्शन। और इसके साथ ही एक टर्म याद रख लो, रोटुंडा, ये भी आगे बहुत काम आएगी। रोटुंडा इज सर्कुलर इन प्लान सर्कुलर इन सेक्शन। रोटुंडा बेसिकली वहाँ यूज़ होता है अगर आप प्लेन से गए हो तो, जो एरो ब्रिज होता है, मीन्स अगर ये आपका प्लेन है, एक जो बोर्डिंग करने के लिए जो एरो ब्रिज हमारा उसे कनेक्ट होता है बिल्डिंग से, तो यहाँ पे गोला होता है उसको रोटुंडा कहते हैं, विच इज़ प्लेन इन सेक्शन एंड प्लेन, वो सर्कुलर इन सेक्शन एंड सर्कुलर इन प्लेन प्लान। तो ये इससे कनेक्ट होता है बेसिकली, इससे ब्रिज आपका प्लान में, ये ब्रिज अगर आपका कनेक्ट हो रहा है तो ये ब्रिज कहीं भी घूम सकता है, या अगर बिल्डिंग में से आप एंट्री कर रहे हो तो, इसको रोटुंडा कहते हैं। सो यहाँ पे थैलोस सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर। तो ये इस टाइप का था ये बरियल थैलोस का सेक्शन है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिकली, ब्लॉक साइकोपियन मेजनरी इम्पोर्टेंट है कि साइकोपियन क्या यूज़ था, कोरबेलिंग और ये लॉयंस गेट। ओके, तो हेलेटिक पीरियड यहाँ पे एंड। अब हम चलते हैं हेलेनिक पीरियड में। हेलेनिक एरा में, ओके, हेलेनिक एरा में इन्होंने गोल्डन रेशियो यूज़ किया था। गोल्डन रेशियो इज 1:1.618। मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 1:1.618 गोल्डन रेशियो है इसकी। अगर हम इसमें से 1:1 भी हटा दें, ये भी 1 ही हो गया, पूरा 1.618 है। कि अगर हम इसमें से गोल्डन रेक्टेंगल में से स्क्वायर भी निकाल दें तो भी जो रेक्टेंगल रह जाता है वो गोल्डन रेशियो में होता है। मीन्स ये प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं ऐसे, इज सेम एज 6.18 = 1। इसका सम वो भी वही आएगा। तो बस ये याद हो कि जो गोल्डन रेक्टेंगल में से स्क्वायर भी हटा दें तो भी गोल्डन रेक्टेंगल रहता है, फिर एक और स्क्वायर निकाल दें जो रह जाएगा वो भी गोल्डन रेक्टेंगल रहेगा। गोल्डन रेक्टेंगल की रेशियो की वैल्यू ये होती है। सो अब हम इसके टेम्पल्स पढ़ते हैं मेन। सो हेलेनिक पीरियड में जो टेम्पल थे उसका, जैसे ग्रीक वो इजिप्ट का हमने पढ़ा था वैसे इसका भी पढ़ेंगे। यहाँ पे इनके कॉलम्स होते थे। सो हमने बचपन में पढ़ा था PCO, PCO, ये पढ़ेंगे PCAO। याद करने का तरीका है, PCP मतलब प्रोनोस, सी मतलब सेला और नाउस, ये इम्पोर्टेंट है। ए मतलब एडाइटन और ओ मतलब ओपिस्थोडेमस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोनोस, सेला और नाउस, ए मतलब एडाइटन, ओपिस्थोडेमस। ये ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि पहले प्रोनोस और नाउस। सो प्रोनोस इज एंट्रेंस पोर्च एंड सेला और नाउस इज सेंट्रल प्लेस, मीन्स वे गॉड स्टैचू होता था। एडाइटन इज
ये ज्वेलरी के लिए स्टोर होता था, स्टोर फॉर ज्वेलरी। ओपिस्थोडेमस। अच्छा, ओपिस्थोडेमस क्यों बना है? क्योंकि ये स्पेस, इनने ये स्पेस बनाया क्यों? बेसिकली ये बिलीव करते थे सिमेट्री में, तो यहाँ पे इन्होंने स्कल्पचर रख दिया, ये स्पेस भी आ गया, ये स्पेस भी आ गया, ये स्पेस इन्होंने बनाया फॉर सिमेट्री, ताकि प्लान सिमेट्री में रहे। तो ठीक है, ओपिस्थोडेमस इज फॉर सिमेट्री। देन इसमें एक टर्म आती है, एंटीज और एंटी। एंटीज और एंटी इज बेसिकली कि जो इनके एलिवेशन होते थे उसमें कॉलम्स लगे होते थे, तो ये इन्होंने कहीं उसमें वॉल यूज़ की थी कुछ जगह पे, मतलब स्टार्टिंग में इसके नीचे कॉलम्स की जगह वॉल यूज़ की थी। तो एंटीज और एंटी इज़ अ वॉल विच रिप्लेस द कॉलम, वॉल रिप्लेस कॉलम इन फ्रंट और इन फसाद, मतलब जिस फसाद कॉलम को जिस वो जो वॉल रिप्लेस करती है उसे एंटीज और एंटी कहते हैं। सो हम इसके टेंपल्स के नाम याद नहीं रखेंगे, बट जैसे मैं बता देता हूँ इन केस कुछ। ओके, जो ग्रीक टेंपल इज बेस्ड ऑन, नेम ऑफ द ग्रीक टेंपल इज बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फसाद। ये ग्रीक टेंपल की खासियत थी। सो इसको हम कहते हैं डबल टेंपल, वो डबल डबल टेंपल। देन क्योंकि इसमें दो कॉलम है, देन इस जब यहाँ पे कॉलम्स लगे होते थे और यहाँ पे छः छः होते थे कॉलम्स, इसको कहते हैं हेक्सा स्टाइल। सूडो फेरी स्टाइल। ओके, सूडो वो कॉलम्स हैं जो इसके चिपक गई हैं, जो सूडो मीन्स फॉल्स होते हैं, मीन्स फॉल्स कॉलम जो दिख नहीं रही हैं, और ये हेक्सा स्टाइल जो दिख रहे हैं छः कॉलम्स, तो इस बेस पे इसका नाम था। ऐसी एक कॉलम टेम्पल है जिसके यहाँ भी इतने सारे कॉलम्स हैं और इस पे भी चिपके हुए हैं कॉलम्स। इस कॉलम का नाम है ऑक्टा स्टाइल। सूडो डाई एट्रल, क्योंकि इसमें दोनों सूडो भी हैं और दोनों साइड हैं इसके, इधर भी हैं और इधर भी हैं, सूडो डाइपेट्रल और आठ कॉलम है, तो ऑक्टा स्टाइल। तो इस बेस पे आप कभी आ जाए तो आप याद कर सकते हो। देन सूडो कॉलम्स मीन फॉल्स कॉलम जो चिपके हुए दीवार पे। देन इनकी नेक्स्ट टर्म आती है इस ऑप्टिकल करेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है एज एन आर्किटेक्चर भी। ऑप्टिकल करेक्शन। सो ऑप्टिकल करेक्शन में क्या है कि जब ये वॉल बनाते थे, मान लो ये सेक्शन है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, ये इस वॉल को देख रहा है, तो वॉल जो ये रेक्टेंगल बनाते थे वो इन्हें दिखती थी कुछ इस टाइप की, बिकॉज हमारी आई वन पॉइंट परस्पेक्टिव देखती है, तो वो वॉल कुछ इस टाइप की दिखती थी, जबकि रियल में वो है रेक्टेंगल। तो उन्हें ऑप्टिकल करेक्शन के लिए क्या किया, इस वॉल को उन्होंने ऐसे बनाया नीचे से चौड़ी, ताकि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के कारण वो बंदे को दिखे सीधी। तो दैट इज नोन एज ऑप्टिकल करेक्शन। सेम चीज़ इन्होंने कॉलम्स में, कॉलम्स के साथ भी की थी। ये कॉलम्स बनाते रेक्टेंगल थे, लेकिन कॉलम्स दिखते फिर हमें ऐसे थे। सो इन्होंने कॉलम्स उल्टे बनाए ताकि हमें दिखें सही। मीन्स एक बार ये चेक कर लेना कि नी वन पॉइंट परस्पेक्टिव में हमें नीचे बड़ा दिखता है या ये दिखेगा। तो इन्होंने अपोज किया था ताकि इन्हें रेक्टेंगल दिखे, मेन ऑप्टिकल करेक्शन का फंडा ये है। वैसे मैं अगर मैं नीचे खड़ा हूँ तो शायद ऐसे ही दिखेगा,
और फिर ऐसे बनाया ताकि ऐसे दिखे, तो ये देख लेना, बट ऑप्टिकल करेक्शन यही है। तो इसी ऑप्टिकल करेक्शन को एंटेसिस कहते हैं, एंटेसिस ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एंटेसिस जो भी ये कॉलम में बल्ज करते थे ना उसे एंटेसिस कहते हैं। सो ग्रीक और रोमन दोनों ही बल्ज करते थे। ग्रीक ऐसे करते थे बल्ज, जो कि उनका बल्ज स्टार्ट होता था यहाँ से। रोमन जो बल्ज करते थे उनका बल्ज यहाँ से स्टार्ट होता था। ग्रीक नीचे से ऊपर तक बल्ज करते थे, रोमन यहाँ से स्टार्ट करते थे बल्ज करना। ठीक है, इसको एंटेसिस कहते हैं इस बल्जिंग को। एंड सो दे लुक रेक्टेंगल इन एलिवेशन। सो दिस इज ऑप्टिकल करेक्शन, ग्रीक और रोमन दोनों करते थे। एंड सो फिर आफ्टर दिस थ्री टाइप ऑफ कॉलम्स आते हैं जो सबने बहुत अच्छी तरह पढ़ रखे हैं, डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन। ऑर्नामेंटेशन आपके ऐसे इंक्रीजेस होती है, इस साइड डोरिक कम, आयनिक देन कोरिंथियन। ओके डोरिक, सो मैं हल्का सा बता देता हूँ कि हाइट इसकी होती थी 7D, 8 से 9D, 9 से 10D। एंड एक हल्का सा जो बना देता हूँ, ये हो गया इसका पेडिमेंट, देन आता है हमारा एंटेब्लेचर। एंटेब्लेचर में आता है आर्किट्रेव, फ्रीज, कॉर्निस। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कॉर्निस और इसी सीक्वेंस में याद रखना कि ऊपर नीचे क्या आता है, इन तीनों को कहते हैं आर्किटेक्ट, एंटेब्लेचर। देन आता है हमारा स्क्वेयर एबेकस, ये हमने पहले भी देखा था स्क्वेयर एबेकस क्या है। देन सर्कुलर एकिनेस, सर्कुलर एकिनेस। देन एक छोटी सी नेकिंग, देन शाफ्ट, फ्लूटेड शाफ्ट। अच्छा डोरिक में हमारे पास बेस नहीं होता, आयनिक और कोरिंथियन में बेस है, डोरिक में बेस नहीं है, डोरिक सीधा ऐसे ख़त्म होता है। इस पूरे एक दो प्लेटफॉर्म बनते थे जिस पूरे को क्रैपीडोमा कहते थे। ये होता था स्टाइलोबेट एंड दैट इज स्टीरियोब्लेट, स्टीरियोबेट, इसमें नो बेस। एंटेब्लेचर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कैसे आया। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, दैट इज फ्रीज ऑफ डोरिक। फ्रीज ऑफ डोरिक कैसा होता था, जैसे ये ऊपर कॉर्निस हो गया कुछ भी, कॉर्निस ये आर्किट्रेव हो गया नीचे इसके, आर्किट्रेव। तो जो ये फ्रीज है पूरा एंटेब्लेचर, इसमें ट्री गल्फ थे, यहाँ पे कोई फिगर, ट्री गल्फ। ट्री गल्फ हमें सिर्फ फ्रीज ऑफ डोरिक में देखने को मिले। ट्री गल्फ क्या है, ये रिसेस्ड रेक्टेंगल है जस्ट, आप एक बार सर्च कर लेना तो पता चल जाएगा, और बीच में फिगर कुछ भी। तो ट्री गल्फ अगर कुछ आएगी, ट्री गल्फ ओनली सीन इन फ्रीज ऑफ डोरिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन ये बता दिया एंटेब्लेचर इम्पोर्टेंट, इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं है। बाकी डोरिक में ऐसे हैं, आइनिक में वोल्यूट्स आ जाते हैं, ये आपने देखे ही होंगे, और कॉर्निस में ये आ जाते हैं। देन कॉर्निस
उसमें बस बेस हो रहा था आइनिक में। देन उसके बाद तो वही है पेडिमेंट, तो ये तो चलो हम पार्ट में पढ़ेंगे। देन आते हैं सिटीज की तरफ, एक्रोपोलिस एंड एगोरा। एक्रोपोलिस अगोरा ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक्रोपोलिस ये होता था जो हाइट पे होता था, मीन्स अबव द सिटी हाइट पे सिटी, यहाँ पे आपकी मार्केट प्लेस एगोरा, यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट्स होती थी जो वैली में होती थी डाउन, और ये हाइट पे होता था एक्रोपोलिस। तो ये कई बार आया एक्रोपोलिस तो एगोरा क्या क्या है ऊपर है, ये हाइट पे होता था। एंड अगोरा इज मार्केट प्लेस, ऐसे इसमें अगोरा है रोमन में बेसिलिका होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। अगोरा मार्केट प्लेस, और इन जो छोटी छोटी दुकानों को वो कहते थे स्टोआ, STOA, स्टोआ। स्टोआ मीन्स बिल्डिंग्स और दुकान टू सेल देयर गुड्स, उसे कहते हैं स्टोआ। और अगोरा में स्टोआ स्टोआ होते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो एक्रोपोलिस देखते हैं, एक्रोपोलिस में क्या था। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस का अगर मैं प्लान बनाऊँ तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे ऐसे एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस पता नहीं ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं होने की वजह ये उनका कुछ होगा रीज़न। ये हो गया हमारा प्रोपाइलन, हमने प्रोपाइलन वर्ड आगे ही पढ़ा था कि क्या यूज़ है। ये था इरेक्टियन एंड ये हमारा पार्थेनन, तीनों इम्पोर्टेंट है। प्रोपाइलन इज द एंट्रेंस, प्रोपाइलन एंट्रेंस हो गई, इरेक्टियन गॉडेस ऑफ विजडम एंड सॉरी पार्थियन में था गॉड, तो इरेक्टियन एथीना, और ये आ जाए तो कि ऐसे घुमावदार था इसकी एंट्रेंस, डायरेक्ट ना होते शायद कुछ डायरेक्शन का फर्क है तो इसलिए। अच्छा इरेक्टिनन में हमें मेन चीज़ एक चीज़ याद रखनी है कि इरेक्टिनन टेम्पल, इसमें मेन चीज़ याद रखनी है कैरियन जट्टा, मीन्स कैरी ऑन जट्टा की मूवी में लड़की बहुत अच्छी थी तो उससे ज़्यादा देखना कैरी एटिट्स। कैरी एटिट्स इज जस्ट अ फीमेल कॉलम्स, मीन्स फीमेल फिगर थी इन प्लेस ऑफ कॉलम्स। एक बार सर्च भी करके देख लेना इसको, कि जो भी उनका वो था उस पे नीचे कॉलम्स की जगह फीमेल की वो खड़ी थी बॉडी इंस्टेंट ऑफ कॉलम फीमेल फिगर में, मीन्स उसे कैरियटिड्स कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ओके देन चलते हैं पार्थेनन में, पार्थेनन इज ओक्टा स्टाइल पेरिफेट्रल, इसकी फिगर बना देता हूँ हल्के से। ये हो गए आठ यहाँ पे, आठ यहाँ पे और पेरिफेरी में कुछ कॉलम्स, ये बन गया ऑक्टास्टाइल पेरिफेट्रल। अच्छा इसमें एलिवेशन में देखे तो थोड़ा सा बेस था, देन आठ कॉलम, देन ये ऊपर पेडिमेंट, ये एट डोरिक कॉलम्स थे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि डोरिक कॉलम्स यूज़ हो रखे थे। अच्छा इसमें दो मेन रेशियो यूज़ हुई थी, टू मेनली यूज रेशियो,
एक तो हो गया अपना 4:9 और दूसरी गोल्डन रेशियो। सो जो इसका प्लान था वो था 4:9 में, और जो इसका फसाद है बाथरूम का वो यहाँ से यहाँ तक 4:9 था, लेकिन अगर हम टॉप से देखें, हाइट से ये बेस, तो वो गोल्डन रेशियो में था। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 4:9, यहाँ से यहाँ तक गोल्डन रेशियो। और इसकी जो कॉलम्स की पोजीशन थी, मीन्स अगर दो कॉलम्स हैं ये, और इसका सेंटर से ये एल और ये देखा जाए तो ये भी 4:9 थी, डी बाई एल 4:9। इस कॉलम्स की खास बात यह है कि जब हम 1 पॉइंट परस्पेक्टिव देखते हैं तो रियल में ये कॉलम्स प्लान में चाहे इक्वली डिस्टेंस पे लगे हों, लेकिन हमारी आई के कारण ये हम ऐसे देखते हैं कि ये तो दूर है, ये तो सही है, लेकिन ये धीरे धीरे पास आने लग गई। मतलब ये जैसे होता है ये कॉलम्स लगे हैं, तो हमारी आँख अगर यहाँ पे है तो वो इस टाइप से देखती है। सो ये कॉलम पास पास लगते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉलम्स को दूर दूर रख दिया था, यहाँ वाले इक्वल, फिर ये वाला और दूर, ये वाला और दूर, ताकि दिखे वो इक्वल। सो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें भी वही है, पी सी ए ओ, पी सी ए ओ, दोनों चेलानाउस एडाइटन ओपिस्टोडेमस, तीनों चार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रीक में एक चीज़ और रह जाती है बस, ग्रीक थिएटर। ग्रीक थिएटर रॉक कट होते थे। मीन्स अगर मैं एक चीज़ बनाऊँ तो इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है बस, वो ही देखेंगे। ये स्टेज हो गया, ये यहाँ पे होती थी स्क्रीन, एक स्क्रीन बिल्डिंग बनाई जाती थी स्टेज के पीछे, अगर यहाँ पे बंदा बैठ के देख रहा है, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब स्क्रीन एक्ट एज अ बैकड्रॉप फॉर बिल्डिंग, बैकड्रॉप फॉर स्टेज, ताकि यहाँ से बंदा ना देख सके, वो यहीं फ्रंट में से आके देखे, अगर यहाँ पे बंदे प्ले करें तो। ये दैट इज़ नोन एज स्क्रीन। एंड इस इन दो रास्तों, जो दो रास्ते होते थे अगर मैं प्लान में देखूं, ये स्क्रीन हो गई, यहाँ से दो रास्ते होते थे, ये स्टेज हो गया, ये स्क्रीन, दो रास्ते, इसे कहते थे पैराडॉक्स। स्क्रीन और ये थिएटर हो गया, ये ऑर्केस्ट्रा, ओके दैट्स फॉर द ग्रीक।